उत्तर प्रदेश इथल्या हाथरस या ठिकाणी युवतीवर झालेल्या अत्याचाराबाबत नाशिक रोड इथं नाशिक शहर सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या वतीनं विराट मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आरोपींना कठोर शासन करावं तसंच त्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी केली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याच्या ठिकाणापासून सुरुवात झालेला हा मोर्चा छत्रपती शिवाजी महाराज चौक या ठिकाणी थांबवण्यात आला. यावेळी मोदी सरकार आणि योगी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालय इथं मोर्चातील पायल बेद, रेणू पारजे, खुशी तसंबर, पल्लवी काकडे या 5 तरुणींनी विभागीय महसूल आयुक्त श्री राधाकृष्ण गमे यांची भेट घेऊन आरोपींना कठोर शासन व्हावं, त्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, जलद न्यायालयात हा खटला चालवण्यात यावा या मागणीचं निवेदन देण्यात आलं. पायल दीपक बैद है और मनीषा वाल्मीकि समाज की एक बेटी और हमारी बहन, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, उनके साथ जो गुना हुआ है, उन गुनहगारों को, उन हत्यारों को, उन पापियों को एक बार ये शर्म नहीं आई उनकी जीभ काटते हुए, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ते हुए? क्या उन्हें उनकी माँ या बहन नज़र नहीं आई? क्या उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि हमारी माँ या बहन के साथ भी ये हो सकता है? तो इसीलिए मेरी विनती है और पूरी ऑल इंडिया की विनती है, पूरे लोगों की विनती है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और वो है सजाए मौत, फांसी. और वो योगी सरकार के सपोर्ट से वो मिनिस्टर कहते हैं कि अपनी बेटियों को तमीज़ सिखाओ. अरे तुम क्या हमें तमीज़ सिखाओगे? वाल्मीकि समाज की बेटी तो पहले से अदब कायदे में रहती है और पल्लू में रहते, इसका मतलब ये मत समझना कि वो कुछ कर नहीं पाएगी, वो कुछ बोल नहीं पाएगी. जिस दिन ये पल्लू उठा उस दिन तुम्हें उस पल्लू में झांसी की रानी नज़र आएगी, और तुम्हें झांसी की रानी नज़र आएगी तो तुम सारे गुनहगारों भागते हुए नजर आओगे. 9 न्यूज साठी प्रतिनिधि जितेंद्र नरवाड़े, नाशिक रोड.